वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है GTA 5 के एक और ऑसम दिन में। यार मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर आ गया है बेसिकली, जिसका नाम पेपा पिग है। हाँ, वो बहुत इविल है और वो सबको बारी बारी करके लॉस सैंटोस के अंदर मारे जा रहा है। तो तुम लोग तो जानते ही हो हम लोग कितने अच्छे आदमी हैं, तो हम लोग एक अच्छे नागरिक होने के नाते उस पेपा पिग को खोज के आज के दिन उसका खात्मा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप लोग का लॉस सैंटोस के एक ऑसम दिन में। तो रुको, बेसिकली मैं आपको अपना प्लान अच्छे से समझा देता हूँ। आप लोग तो जानते ही हो कि पेपा पिग एक सुअर है। हाँ, मैंने काफी जानकारी की बात कही है। तो पेपा पिग बेसिकली लॉस सैंटोस के किसी पुराने फैक्ट्री के अंदर हो सकती है, क्योंकि पिग को शायद से फैक्ट्री के अंदर रखा जाता है। तो मेरे बिग ब्रेन के अकॉर्डिंग हमें लॉस सैंटोस के सारे पुराने फैक्ट्री को चेक करना चाहिए, ताकि हम लोग पेपा पिग को खोज सके। तो इसलिए हम लोग इस पुराने बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। और भाई ये तो हद से ज्यादा पुरानी लग रही है। कोई नहीं, हम लोग फटाफट से अपनी ब्लैक कार को यहाँ पे पार करते हैं। ऑलराइट, वैसे ये कुछ ज्यादा ही ब्लैक है, बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह। ऑलराइट दोस्तों, चलो फटाफट से इस पुराने फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और होप करते हैं कि हमें पेपा पिग इसके अंदर मिल जाए। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग इस फैक्ट्री के अंदर तो आ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये कोई सिलाई वाली फैक्ट्री है। आए दोस्तों, मेरा काश करियर सिल जाता और सही हो जाता। ऑलराइट, कोई नहीं, हम लोग पेपा पिग पे फोकस करते हैं। अरे मम्मी, ये क्या है यार? लग रहा है हम लोग यहाँ आने में देर कर दिए हैं और पेपा पिग ने पहले ही यहाँ पे लोगों को मार दिया है। ऑलराइट, चलो फ्रैंकलिन ऑफिस में चलते हैं। ओह माय गॉड, क्या मतलब मेरी फट गई। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पेपा पिग इस पुराने फैक्ट्री में थी और उसने किसी का शिकार किया है। तो ऐसा हो सकता है कि पेपा पिग अभी भी यहीं पे हो। चलो उसे खोजते हैं। ये क्या है? पेपा पिग ने इसका मतलब इसे मारा है। चलो अच्छी बात है, कम से कम कोई गर्ल नहीं मरी। क्या सोच है रे तेरी? तो हमें फटाफट से और भी पुरानी फैक्ट्री को चेकआउट करना होगा। वैसे यहाँ कहीं है क्या? ओ, वहाँ पे एक बंदा जिंदा है। रुको, हम लोग पूछताछ करते हैं। हेलो ब्रो। सर, मेरे को बचा लीजिए सर, प्लीज, मैं बहुत उदास हूँ। हाँ भाई, लड़कियों की तरह रोना बंद कर। ये बता, यहाँ पे कौन आया था? सर, वो वापस आ चुकी है, वो सबको मार देगी। अबे हाँ ठीक है, मैं समझ गया, पर कौन आया था ये तो बता। सर, वो थी पेपा पिग। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उससे दूर रहिए, सही में। अबे तू मेरे को डरा रहा है, तू जानता नहीं है अपुन कौन है। गीगा चैड, क्या रे भीख मंगिया? हाँ, तो बेसिकली हमें पेपा पिग से डरने की जरूरत नहीं है, और हमें तो कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि ये सारा कांड पेपा पिग ने किया है। चलो दूसरी फैक्ट्री पे निकलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये देखो, पेपा पिग को खोजने के लिए हम लोग इस खतरनाक से सेकंड फैक्ट्री पे आ चुके हैं, और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है। मैं तो दोस्तों गुंडा आदमी हूँ, हम लोग बाहर पार्क करेंगे, अपन किसी का रूल नहीं मानता है। कोई नहीं दोस्तों, चलो फटाफट से फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, जाने देता हूँ, इंग्लिश समझ नहीं आती है। ऑलराइट, चलो इसके ऊपर जंप करते हैं, यह काफी मेहनत। एक सेकंड, मैं वहाँ नॉर्मली भी तो आ जा सकता था। आए, ये फालतू बंदरों वाली हरकत करने की क्या जरूरत थी। पर कोई नहीं फ्रैंकलिन, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पेपा पिग को GTA 5 के अंदर देखने के लिए। आए, ये क्या है, फ्रैंकलिन, जल्दी भाग भाई, वहाँ कोई तो है। ओ मैन, यार एक सेकंड, वो नंगा है क्या दोस्तों? मैं तब तो उसे देखना चाहूंगा। रुको फटाफट से स्नाइपर कॉलते हैं। यो बिड़ू,
नहीं वो नंगा नहीं है, वो उसका कपड़ा पहनने का स्टाइल बस थोड़ा कैजुअल है। ये काफी ज्यादा कूद रहा है दोस्तों, मुझे मारने का मन कर रहा है। गलती कर दी भाई, नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों इतना कूल बनता हूँ। ऑल राइट पिस्टल लेते हैं, ये मर नल्ले। ऑल राइट हमने मार दिया इसे। मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो है पेपा पिक का बॉडी गार्ड है और वो इस फैक्ट्री की शायद से सुरक्षा कर रहा है मेरे ख्याल से। और तुम लोग देख सकते हो इसका चेहरा कुछ कुछ पिक जैसा है, तो इसका मतलब दोस्तों कि अगर यहाँ पे पेपा पिक का बॉडी गार्ड है तो ऐसा हो सकता है कि पेपा पिक भी यहीं पे हो। देख रहे हो दोस्तों मैं कितना तेज हूँ। तो चलो फटाफट से हम लोग अब फैक्ट्री की एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉडी गार्ड है तो पेपा जरूर से यहीं पे होगी। क्या वो इधर है? नहीं वो यहाँ नहीं है। और बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कौन लोग हैं भाई, ये कितने अजीब हैं। ये तो वही पेपा पिक के बॉडी गार्ड है और तुम लोग देख सकते हो इनके हाथ में शायद से कुल्हाड़ी है। अबे नल्ले तू क्या करता है, तू नशे में रहता है क्या? सिट सिट सिट। अबे यार हमें अभी ही गिरना था, ये गलत सीन हो गया। ओ सिट 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 मैं किधर जाऊं? ऑल राइट इसे मारते हैं। ये ओ सिट भाई 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 ये सब हमें मार देंगे। ओके 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 इसे मारते हैं। ये सेट हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। वेरी नाइस, एक तो खुद को बचाओ ऊपर से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। अरे यार मैं इन सबको एक साथ कैसे मरूं? आइडिया, हमारे पास तो आरपीजी भी है भाई, रुको आरपीजी लेते हैं। और यार डिशुम ऑलराइट क्यों नल्ले इधर आएगा? ये ले क्या बात है, आरपीजी की मेरी एमओ खत्म हो चुकी है, पर मेरे ख्याल से हमने सभी को मार दिया है। बहुत सही, रुको दोस्तों फटाफट से आगे देख लेते हैं कहीं वो सब बॉडीगार्ड जिंदा तो नहीं बचे हैं, क्योंकि अपुन किसी को बख्शता नहीं है। तो चलो फटाफट से आगे देखते हैं। और ये क्या, अबे तू पिग और खतरनाक होने के नाम पे कलंक है, तू रो क्यों रहा है? प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं उनकी तरह मरना नहीं चाहता हूँ। देख रहे हो दोस्तों मेरा खौफ। वो अपने जिंदगी की भीख मांग रहा है। ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगा, बस मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ मैं आपकी सारी मदद कर दूंगा, बस प्लीज मेरे को छोड़ दो। Yes, दोस्तों क्या बात है, हमारा काम बन रहा है। रुको मैं पूछता हूँ उससे, क्या तुम्हें पता है वो खतरनाक सी मॉन्स्टर पेपा पिक किधर है, क्या वो यहाँ पे है? नहीं सर वो यहाँ पे नहीं है, वो लॉस सैंटोस के एक दूसरे पुराने फैक्ट्री के अंदर है। मैं आपको वहाँ का लोकेशन भेज दूंगा, बस आप प्लीज मेरे को जिंदा छोड़ दे। योहोरे क्या बात है, हमें फाइनली पेपा पिक का लोकेशन मिल चुका है। अबे ये लोकेशन कितना दूर है? ओ माय गॉड भाई, यहाँ तक जाने में तो मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी, पर कोई नहीं, हम लोग एक अच्छे नागरिक हैं, हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे और पेपा पिक को इस लॉस सैंटोस से खत्म करेंगे। और हाँ ब्रो मैंने तेरे को जिंदा छोड़ दिया, मैं अच्छा आदमी हूँ। One hour later. यूहू दोस्तों क्या बात है, तो इसी के साथ हम लोग उस बॉडी गार्ड के बताए हुए लोकेशन पे आ चुके हैं। पर एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पे कहीं भी पेपा पिग नजर नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं उसने मेरे को पागल बना दिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर कोई नहीं हम लोग एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं। ओके आगे चलते हैं। ये क्या है, तुमने देखा यहाँ पे काफी सारे बॉडी गार्ड है। रुको हम लोग फोन के कैमरा की मदद से और अच्छे से फुल HD में देखते हैं। हाँ मैं अपना फ्यूचर तो HD में नहीं देख पा रहा, पर कोई नहीं इसे कम से कम देखते हैं। ऑल राइट 1 2 3 4 मेरे को सामने 4 बॉडीगार्ड नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से टोटल लगभग 6 हैं। ऑल राइट फ्रैंकलिन संभल के, तो बॉडीगार्ड का मतलब ये हो सकता है कि पेपा पिग यहीं पे है और शायद से उसने हमें पागल नहीं बनाया है। तो चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं और पेपा पिग का सफाया करते हैं।
ऑलराइट यहाँ पे आ चुके हैं। ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं फ्रैंकलिन? अच्छा जंप लगाना। ये कोई नहीं, हम लोग इधर से ट्राई करते हैं चढ़ने का। बहुत सही, और बहुत सही, क्या बात है। ओके दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें उन सारे बॉडीगार्ड को मारना होगा और फिर पेपा पिग तक पहुंचना होगा ताकि हम लोग लॉस सैंटोस के हीरो बन सके। और ये क्या, यहाँ पे खिड़की है? ऐसा हो सकता है पेपा पिग इस कमरे के अंदर हो। और ये तो दोस्तों एक आदमी निकला जो की सुसुट्टा फूक रहा है। ऑलराइट, और आगे चलते हैं। ओ ब्यूटीफुल लेडी, क्या मतलब मैं उद्देश्य से भटक रहा हूँ? तो हम लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। हाँ, वहाँ पे कुछ नॉर्मल लोग हैं, शायद से पेपा पिग के कुछ काम करने वाले लोग होंगे, पर कोई नहीं, हमें तो इन्हें मारना है ना। तो फटाफट से हम लोग क्या ले, हम एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। ये रहा स्टिकी बॉम्ब, फ्रैंकलिन संभल के। और वहाँ पे यस यस, क्या बात है। ओके ओके, एक हमें कहाँ फेंके, यहाँ पे फेंकते हैं। बहुत सही, ऑल राइट, 3-2-1 लेट्स गो, और इसे मारते हैं। क्या बात है दोस्तों, यस मैं एकदम इंटेलिजेंट हूँ। अरे यार, लेकिन ये तो गलत चीज हो गया। तुम लोग बैकग्राउंड में आवाज सुन सकते हो, अलार्म बज रहा है। इनका अलार्म बजना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब पेपा पिग को पता चल गया होगा कि कोई उनके बेस पे आया है। और अरे बाप रे, ये पेपा पिग की कैसी आवाज है भाई, मेरी तो फट रही है थोड़ी थोड़ी। और हम लोग फटाफट से इन्हें भी मार देते हैं। या 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 या, ऑल राइट फ्रैंकलिन, चल इधर खोजते हैं। अरे ये कैसा आवाज है, और सेट, वो यहाँ पे आ गई। ये क्या, पेपा पिग यहाँ पे आ चुकी है। जिस चीज का मैं इंतजार था वो हो गया, वो फाइनली यहाँ पे आ गई। अब मेरे वीडियो पे व्यू जाएगा। ओके पेपा पिग, तुम गई। और एक सेकेंड, वो कहाँ चल गई, वो तो कमरे में ही थी ना ब्रो, वो कहाँ चल गई यार। ओके वो इतनी जल्दी यहाँ गई। ऑलराइट पेपा, तुम तो गई काम से। ये नहीं हो सकता, ये कितने स्वैग में हमें देख रही है, उसे पता है कि वो मर नहीं सकती। यार हमें इसे मारना होगा। कैसे मारे, ग्रेनेड फेंकते हैं। ऑलराइट, ये ले, मर। ओके, अबे मर जा, भाग फ्रैंकलिन। ओके वो नहीं मर रही है फ्रैंकलिन, शायद तुम्हें पता नहीं है इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं मार सकती। ये क्या बोल रही है, क्या हम लोग इसे नहीं मार सकते, इसका मतलब मैं खुद इसके पास मरने आया हूँ। यार मैं क्या करूँ। ओ भाई, ये तो एकदम स्वैग में चिल भी कर रही है क्योंकि उसे पता है कि वो नहीं मरने वाली। फ्रैंकलिन, बुद्धि लगा, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ से भागते हैं, यहाँ से भागने में भलाई है। अबे बहन, अरे यार दोस्तों, आखिर में हम लोग इस पेपा पिग को कैसे मारे, मेरे को एकदम समझ नहीं आ रहा है। रुको, मुझे अपना बुद्धि इस्तेमाल करने दो, एक सेकंड, आइडिया, मेरे को एक बहुत मस्त आइडिया आया है, तुम लोग बस देखते जाओ। ऑलराइट दोस्तों, चलो फटाफट से इसकी इधर पार आ जाते हैं। और तुम लोग देख सकते हो कि ये एक गैस टैंक है और इसके ऊपर फ्लेमेबल लिखा है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, शायद से ये ब्लास्ट कर सकता है। तो हम लोग फटाफट से स्टिकी बम लेते हैं, ये स्टिकी बम, और इसके ऊपर लगा देते हैं। चल आजा पेपा पिग। अच्छा मैं तेरे को बताता हूँ। ओके वो इधर आ रही है, चलो ब्लास्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तुमने देखा, उसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हुआ। और अबे नल्ले, तू क्यों बेहोश हो गया, शायद से धमाका कुछ ज्यादा बड़ा था। भाई तू जिंदा तो है ना, चल होश में उठ जा। ऑलराइट यार, कभी कभी तो लगता है ये टपक न जाए, पर कोई नहीं, हम लोग सही सलामत है। और यस, क्या बात है, मेरा बिग ब्रेन काम कर गया। और तुम लोग देख सकते हो पेपा पिग।
मर चुकी है। क्यों? चल उठ के दिखा। क्या मतलब तू उठ नहीं सकती, उठ के दिखा। चलो दोस्तों, आज के दिन हमें बहुत ज्यादा मजा आया। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।